प्रैक्टिस क्वेश्चन इन वीडियो सॉल्यूशन। हाँ तो मैंने तुम्हें कुछ अभी कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 26 टोटल 28 सम्स हैं, उसका एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो देख लोगे। द रियल नंबर एक्स एंड वाई द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय इतना, तो देन आर इज क्वेश्चन पूछा मतलब क्या, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या बोलोगे? तो ऐसे सम्स पॉसिबली याद ही हो चुके होंगे कि एक्स रिलेटेड टू वाई। तो अगर मैं इसका अगर इस वाले में मैं रिफ्लेक्सिव देखना चाहूं तो मुझे क्या देखना होगा? अगर इस वाले सम में इस वाले सम में अगर मैं रिफ्लेक्सिव देखने के लिए तुम्हें क्या देखना होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें देखना होगा क्या x रिलेटेड टू x है। अगर x रिलेटेड टू x करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये x माइनस x प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या? रूट थ्री इज रेशनल टू या फॉल्स? ट्रू। रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या ये जरूरी है कि x माइनस y प्लस रूट थ्री अगर इरेशनल हो तो उल्टा, क्योंकि अगर x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x का क्या हो जाएगा? y माइनस x प्लस रूट थ्री इज इरेशनल होगा क्या? नहीं ना। अगर x माइनस y प्लस रूट थ्री इज इरेशनल तो इज इट इम्प्लाइज y माइनस x प्लस रूट थ्री इज इरेशनल? नहीं पता है। क्योंकि तुम कुछ भी देख सकते हो ना, देख सकते हो ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना। मतलब मेरा कहना है कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि x माइनस y तुम्हारे लिए अगर रूट थ्री होगा कोई भी एक नंबर तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस रूट थ्री। और अगर तुम यहाँ पे अगर y माइनस एक्स प्लस रूट थ्री करोगे तो ये माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या दे देगा? जीरो दे देगा। एक रैशनल नंबर हो गया। कुछ भी ले सकते हो यार। सर क्या लें तब? x को रूट थ्री ले लो, y को जीरो ले लो, डाल के देखो कि रूट थ्री कॉमा जीरो जो होगा वो तो r में बिलोंग करेगा, मगर जीरो कॉमा रूट थ्री क्योंकि रूट थ्री को कैंसिल करेगा वो r में बिलोंग नहीं करेगा, तो फंक्शन नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव, सपोज एक्स रिलेटेड टू वाई है, वाई रिलेटेड टू जेड है, तो क्या तुम बोल सकते हो एक्स रिलेटेड टू जेड होगा? नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, वाई माइनस जेड प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो क्या यहां से ये कह सकते हो कि एक्स माइनस जेड प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर हो? नहीं कह सकते हो। कैसे कहोगे? क्या पता एक्स माइनस जेड कुछ एक ऐसा नंबर मैं ले लूं कि एक्स माइनस वाई, जैसे मैं कुछ भी एक दिखा के दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे इसे रैशनल बनाने के लिए एक काम करता हूँ, x को 1 ले लेता हूँ, z को रूट थ्री ले लेता हूँ, तब तो क्या होगा? तब तो मेरे पास ये 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 और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तब तो केवल 1 बाकी रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे x को 1 ले लेता हूँ, y को भी कुछ ले लेता हूँ, y को 1 ले लेता हूँ, यार y को 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे y को 3 ले लेता हूँ, तो y को थ्री रूट थ्री ले लेता हूँ। तो y को अगर मैंने थ्री रूट थ्री ले लिया तो फिर मैं z को फिर से रूट थ्री ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 और रूट थ्री जब इसमें डालोगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। खिलाफत देखना तो देख आगे चल रहा हूँ। रेंज ऑफ टू साइन इनवर्स, तो क्या करोगे? साइन इनवर्स x का रेंज जानते हो? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू तक। तो 2 साइन इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस पाई से लेके पाई तक। a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब पॉजिटिव नंबर x 3 से छोटा, तो अगर मैं एक रोस्टर फॉर्म में रखूं तो कौन कौन सा नंबर होगा? 1 2 देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ऑन a मतलब a 2। तो एक रिजल्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अगर n है, नंबर ऑफ b भी अगर n है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से क्योंकि a से लेके a तक है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 2 है, इसलिए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा वो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वो तो तुम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो ना, ये 1 2 है, ये 1 2 है, इसकी कितने पॉसिबिलिटीज, ये किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज। और 2 किससे होगा? ये तो किसी एक से ही अटैच होगा ना। 1 2
the number of possible matrices of order 3 cross 3. तो 3 cross 3 में एलिमेंट्स कितने होते हैं, पहले ये बोलो, 9 एलिमेंट्स होते हैं नहीं क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब में क्या, सब में 0 या 1 आएगा। तो जैसे इस वाले को कितने तरीके से भर सकते हो, इस वाले को, तो इसमें दो तरीके से हो सकता है, ये भी कितने, तो हर एक बॉक्स को तुम दो तरीके से भर सकते हो। तो ये 2 × 2 × कितने बार आएगा, जितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 9, 5, 1, 2। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, देखो किसी किसी का कहना है सर ये एडजॉइंट वाले में बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरा कहना है यार रिजल्ट याद रखो ना रे। देखो पहला रिजल्ट ये याद रखो कि एडजॉइंट ऑफ के ए होने से ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होल टू दी पावर एन माइनस वन होगा। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए से अगर बाहर एक एन क्रॉस एन से बाहर निकलता तो ये के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑर्डर थ्री है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए जो होगा तो बाहर 2³ निकलेगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो ये 2 to the power 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना है, 8 का होल स्क्वायर, तो 2 to the power 6 × 64। आगे चलो, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ए, तो ये क्या होगा, तो ए ये दिया हुआ है जॉइंट ए चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हुआ, सॉरी क्योंकि ये 3 cross 3 नहीं है, ये 2 cross 2 है, तो डिटर्मिनेंट ए का 2 - 1। वेट अ मिनट, समझ में आया ना, ये रुक जाओ ना, ये दो हमको, मेरा कहना है किसी किसी को डाउट हो सकता है ना, ये दो हमको स्पेस का कमी होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पहले ये देखते हैं। हाँ, ए अगर एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो मेरा कहना है याद रखो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ए होता है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन होता है। डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए, तो बाहर के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो ये तीन चीज याद रखो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ए क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ए का डिटर्मिनेंट होल टू दी पावर, ऑर्डर 3 है तो स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। तो ये जब 2 बाहर आएगा क्योंकि 3 cross 3 है, तो 2³ बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए क्या है, 8 × 8 का होल स्क्वायर, 64 स्क्वायर, खेला खा देखना है तो देख। वैसे इस वाले में डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16 - 3 × 6 = 10 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, क्योंकि ये 2 cross 2 मैट्रिक्स है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर 2 - 1, मतलब ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा।
नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, एंड एग्जामिनेशन एकदम नियर है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला था 2n(n+1), ये याद रखो। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें चार एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, 2n(n+1)2, तो 2^5×4/2=2^10। सपोज ए रिटर्न एज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी सिमेट्रिक एंड क्यू इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में अगर लिखते हो तो पी था हाफ ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज, और क्यू था हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछ रहा है, पी का, तो इसलिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 3, 5, 7 और 9। तो ए डैश क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, तो 3, 3 ऐड करोगे 6, 5+7 12, 10+5 12, 9+9 18, तो 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, 3, 6, 6 और 9। देखना है तो देखें, उसके नीचे वाला। अब अगर x लेस देन 0 है, मुझे क्या मालूम है, x अगर लेस देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू क्या था, माइनस x। तो अगर मॉड x माइनस था तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस x उसका है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो इसलिए ये वाला याद रखना, मॉड x क्या था, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x। 0 में इक्वल टू 0 था, 0 में mod x नॉन डिफरेंसिबल था, चार पॉइंट होने के कारण, बाकी सब में डिफरेंसिबल था। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या देखना होगा, क्या बोल रहा है, फॉर द रियल नंबर x एंड y द रिलेशन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस x ग्रेटर देन 0 देन r इज। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए तुम्हें ये देखना होगा क्या x रिलेटेड टू x है, मतलब अगर तुम y इज इक्वल टू x डाल रहे हो तो ये 1 प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 जो एक ट्रू रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव में मैंने कहा था कि जब चीजें मल्टीप्लीकेशन होता है तो जीरो के टर्म में सोचो, क्योंकि एक्स वाई को जो अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी एक टर्म को अगर जीरो ले लेते हो तो मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव अपने वजूद को खत्म कर देता है। तो इसलिए तुम अगर यहां पे देखोगे तो तुम देखोगे कि माइनस वन जो है वो जीरो से रिलेटेड है, जीरो जो है वो टू से रिलेटेड है। जब माइनस वन और टू देखोगे तो तुम्हारे पास ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 1+-1×2 जो एक नेगेटिव क्वांटिटी हो रहा है, लेस देन जीरो हो जा रहा है, मगर मेरा रिलेशन में ये ग्रेटर देन जीरो कह रहा है, इसलिए रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है, तो इसलिए 1+xy अगर जीरो से बड़ा होगा तो 1+yx भी जीरो से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्योंकि 2×2 मैट्रिक्स है तो 2-1 तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा। तो इससे तुम डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 हो गया, तो हैंस आंसर 1। Which of the following is decreasing in 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो x अगर 0 से लेके पाई बाय 2 है तो ट्वाइस x कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक साइन x का ग्राफ कैसा था, ये ट्वाइस x है, x नहीं है, ये था, ये तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ट्वाइस x के टर्म में बोल रहा हूँ, तो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है, विच ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इस वाले में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है,
10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, 10 0 0 होता है, 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है, तो ये ग्राफ तो y इक्वल टू 10x का। डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो sec स्क्वायर x। cos x, हाँ cos x डिक्रीज करता है 0 से लेके पाई बाय 2 में, क्योंकि cos 0 1 था, cos पाई बाय 2 0 था, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हो कि cos x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x जो नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। cos 3x को फिर नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे पास x अगर 0 से लेके पाई बाय 2 तक है तो 3x 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, तो अगर मैं 3x को यहां पे 0, ये 3x रहे तो ये मेरे लिए पाई बाय 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, इसका ग्राफ ये है। तो तुम्हें सब क्वाड्रेंट मिल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ पे फिर से फंक्शन ऊपर की ओर आ गया, ये वाला फंक्शन, तो ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। द मैगजीन कंपनी सर्कुलेट्स इट्स मैगजीन ऑन मंथली बेसिस इन अ सिटी, करके देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये ऑलरेडी भेज दिया गया क्वेश्चन, इट है 600 रीडर्स ऑन इट लिस्ट एंड कलेक्ट फिक्स्ड चार्ज ऑफ रुपीज 3000 पर रीडर एनुअली। द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन, बट बिफोर इंक्रीजिंग द सब्सक्रिप्शन चार्जेस द कंपनी हैड ऑनलाइन सर्वे ऑन इट सीजर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे द कंपनी प्रेडिक्टेड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ रुपीज 1 रीडर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। सपोज द मैगजीन कंपनी इंक्रीजेस बाय रुपीज एक्स, तो कितने डिक्रीज होंगे, तो अगर मैंने सब्सक्रिप्शन बाय रुपीज एक्स इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिक्रीज एक्स हो जाएगा, तो अब न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे पास कितने होंगे, तब मेरे पास जो मौजूदा थे वो कितने थे, 6000 रीडर, मगर उसमें से एक्स चले गए। सब्सक्राइबर अमाउंट कितना होगा जो मैं ले रहा था, ओरिजिनली अमाउंट कितना ले रहा था, 3000 था, मैंने कितना रुपीज एक्स किया, मैंने एक्स रुपीज इंक्रीज किया, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब मेरा कलेक्शन कितना होगा पर बंदो से, अगर मैं 3000 प्लस एक्स ले रहा हूं तो ये 6000 माइनस एक्स इंटू क्या, 3000 प्लस एक्स, तो 3000 प्लस एक्स 6000 माइनस एक्स 1 का ए। उसके बाद अब डिफरेंशिएट करना है, वो सब चीजों में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये r आ गया तो dr by dx क्या हो जाएगा, uv लगेगा, तो ये माइनस ऑफ 3000 प्लस x प्लस ऑफ 6000 माइनस x, तो माइनस 3000 प्लस 6000, तो 3000 माइनस 2x। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2, तो मैक्सिमम कब होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, मतलब डी आर बाय डी एक्स जीरो होगा, तो एक्स का वैल्यू 1500, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, ये 1500 रुपये जो है वो इस वाले में डाल देना, आर में डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इज, तो एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो इसका जो बाउंड्री होगा वो होगा x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, जब y को 0 डालोगे तो x इंटरसेप्ट, मतलब y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू 12 आएगा, x इंटरसेप्ट मतलब जब x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। लेस देन इक्वल टू 12 बोल रहा है, इसका मतलब इससे ऊपर वाला या नीचे वाला, लेस देन इक्वल टू है तो नीचे वाला होगा, ओरिजिन वाला, तो हेंस ये वाला, इक्वल टू है तो ये वाला पॉइंट भी होगा, इसे हाफ प्लेन कहते हैं। The half plane contains 0,0. Half plane that neither contains the origin nor the point of the line x plus 2y equal to 0. Half plane that contains origin and the point on the line. हाँ, क्योंकि equal to है तो point on the line भी exist करेगा, तो केवल contain half plane containing नहीं होगा, ठीक है, actually में ये भी सही है, मगर ज्यादा appropriate ये है, साथ में line के भी points होंगे क्योंकि equal to है यहाँ पे, देखो अगर equal to नहीं होता तो बात अलग होता, option number। If the objective function itna has maximum value minus 4,2 and maximum value is 10, तो इसका दो मतलब है, मतलब minus 4,2 में maximum value ले रहा है, मतलब ये point जब तुम यहाँ पे डालोगे तो इसका value z at
जेड, हम लोग इसे लिखेंगे जेड एट, अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ माइनस फोर कॉमा टू, तो जेड एट ए का वैल्यू दिया हुआ है 10। जेड एट ए मतलब ये जो वैल्यू है इसमें माइनस फोर कॉमा टू अगर डालोगे तो ये माइनस फोर पी प्लस ट्वाइस क्यू इज इक्वल टू 10। साथ में और एक रिलेशन है क्या, थ्राइस पी इज इक्वल टू क्यू, सॉल्व कर सकते हो ना, क्यू का वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर पी और क्यू का वैल्यू आ जाए। अब इस वाले में क्या है, द कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर बिलो, इफ जेड इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, सपोज ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मैक्सिमम, तो इसके लिए तुम्हें सब पॉइंट्स को निकालना होगा, कॉर्नर पॉइंट्स, ये क्या मिला 0, 0, ये पॉइंट क्या है, इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई को 0 डाल देना इस वाले में, इस वाले में अगर तुम वाई को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये 0, y को 0 डालोगे तो ये 7, 0 मिल जाएगा। b कौन सा पॉइंट है, b y इज इक्वल टू 3 और ये लाइन के पॉइंट का इंटरसेक्शन है, तो इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू 3 है, हर समय 3 ही होगा, और ये वाला किस लाइन में, ये किस में, ये x प्लस y इज इक्वल टू 7 है, तो ये 4 हो जाएगा ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट में भी y का वैल्यू 3 होगा, किस वाले में लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा, मतलब cos x माइनस 3 थीटा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू 6 3 अब मुझे सब पॉइंट मिल गया है, तो तरीका क्या था, जेड का वैल्यू मेरे पास क्या था, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, अब सब पॉइंट में देखो, जैसे जीरो में डालोगे तो 0, 0 जेड का वैल्यू 0 आएगा, फिर ए में डाल के देखो, ए 7, 0 7, 2, 14 होता है, तो ये 14 हो जाएगा, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू इसमें 0 आ रहा है, b का वैल्यू जब डालोगे 4, 3 तो ये हो जाएगा 4, 2, 8 प्लस 3 9, 10, 11, d का वैल्यू तुम्हारे पास है 3/2, 3 डालोगे तो 2 × 3/2, 3 हो जाएगा, तो 3 + 3, 6 हो जाएगा, और c का वैल्यू अगर तुम डालोगे 0, 2 तो ये वाला 2 हो जाएगा, तो हेंस तुम्हारे पास जो आंसर है वो आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था 14, तो हेंस ये वाला आंसर। द रीजन ऑफ द अबव ग्राफ इज, तो ये ग्राफ का रीजन अब देखते हैं, तो ये इसके नीचे वाला रीजन है, तो ये रीजन कैसा दिखेगा, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 दिखेगा, ये इससे नीचे वाला ग्राफ है तो ये y लेस देन इक्वल टू 3 दिखेगा, x के पॉजिटिव x एक्सिस में x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होने के कारण ये गया, अब ये दोनों में देखना है, बी और सी में देखना है, तो अब इस वाले में क्या है, तो 0, 0 डाल के देखो, ट्वाइस एक्स माइनस 3 वाई प्लस 6, अगर मैं 0, 0 डालूंगा तो ये क्या हो रहा है, 2 × 0 माइनस 3 × 0 प्लस 6, ये 0 से बड़ा है इसलिए ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रीजन जो है इस लाइन के लिए कौन सा रीजन लोगे, इस लाइन के लिए वो रीजन लोगे जो ओरिजिन को कंटेन करता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, मगर यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि y 3 से बड़ा वाला जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन है, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू 3 था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख रहे हो ए और माइनस है, देखो ये 0 होना जरूरी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन था कि मेन डायगोनल एलिमेंट हर समय 0 होता है, ये बी है, ये माइनस बी है, ये सी है, ये माइनस सी है, तो एग्जैक्टली उल्टा होते जा रहा है, तो हेंस ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, ये इंपॉर्टेंट है रे, ऑड ऑर्डर तभी, हाँ एवरी, तो डिटरमिनेंट ये एक रिजल्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ एवरी ऑड होना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो 0 होता है, आंसर 0 होता है, प्रूफ माइनस 1 कॉमन लेने से आ जाता है, मैं प्रूफ में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चलो आगे चलते हैं। इफ ए इज थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स देन एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ
a is 2 तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 a स्क्वायर। तो एक तो ये याद रखो कि डिटरमिनेंट ऑफ ab जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b होता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 2 है तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर ए स्क्वायर को बी ले लेता हूं तो ये मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ कितना, थ्राइस भी पूछ रहा है। थ्री से बाहर निकलेगा, ये थ्री क्रॉस थ्री है तो बाहर निकलेगा मेरे पास थ्री क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी तुम्हें मालूम है कितना, फोर, तो 27 फिर जाना इंटू फोर, खेला खत्म, 108। मैं फिर से कह रहा हूं सब रिजल्ट को अच्छे से याद रखना। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो निकालने बोल रहे हैं। अगर ये हर समय कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होगा, इसका मतलब क्या फॉर्म है, अगर जीरो डालोगे टू इंटू जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या फॉर्म आया, जीरो बाय जीरो। इसलिए ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, एक्स से डिवाइड कर दो, क्या मिला, साइन एक्स बाय एक्स और टेन एक्स बाय एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स टेंडिंग टू जीरो वन होता है, इज इक्वल टू 1/3। लेट ए इज इक्वल टू इतना आर विद इक्वेशन ऑन ए क्रॉस ए डिफाइन बाय ए बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सी डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। Let A 1 2 3 4 R be the relation on A cross A defined by AB into R CD if and only if kya relation hai. So AB related to CD ye tab hoga agar A plus 2 is equal to B plus C. So relation of 1, 3 kya raha hai. So mera kehna hai 1, 2, 3 related to CD kab hoga, jab 1 plus D is equal to kya hoga 3 plus C, matlab D माइनस सी इज इक्वल टू 2। तो तुम्हारे पास मतलब C और D तुम वो एलिमेंट ले सकते हो जब इनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो केवल मगर 1, 3 तो खुद से रिलेटेड होगा ही, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1, 3 हो सकता है। तो एक तो 1, 3 हो जाएगा और एक क्या हो सकता है, 2 के साथ क्या लगेगा, 2, 4 लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आया समझ में? तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है तुम्हें सेट ऑफ वो एलिमेंट जो 1, 3 से रिलेटेड हो, मगर 1, 3 से तभी एक एलिमेंट रिलेटेड हो सकता है अगर उसका डिफरेंस 2 है। तो डिफरेंस किस में, 3 और 1 में 2 है, 4 और 2 में डिफरेंस 2 है। चलो आगे चलते हैं। For what value of k the function is continuous at x equal to 0? तो अगर x is equal to 0 में continuous होगा तो इसका right hand limit x greater than equal to 0 3 है, तो इसका right hand limit 3 होगा।
तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अर्थ जीरो माइनस के एक्स बाय मॉड एक्स। तो जीरो माइनस का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू अर्थ जीरो माइनस के एक्स, मॉड एक्स के बदले क्या लिख सकते हो माइनस एक्स, कैंसिल करोगे तो क्या देगा माइनस के देगा, क्योंकि वो तो हमने इससे ऊपर वाले में देखा ना, एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स देते हो, तो माइनस के इज इक्वल टू थ्री, तो के का वैल्यू कितना हो गया माइनस के हो गया। उसके नीचे वाला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक रिजल्ट है मेरे ख्याल में, वो याद रखो टू टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन। तो एक्स एक नेचुरल नंबर, एक्स थ्री से छोटा है, तो ए में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे वन और टू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर टू इन ए टू हो जाएगा तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव टू टू स्क्वायर माइनस टू, तो टू स्क्वायर टू फोर। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका लीस्ट वैल्यू, तो ध्यान से देखोगे, देखिए यार अगर ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है एक्स भी पॉजिटिव है तो मेरे पास एक छोटा सा थ्योरी है जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल। ये थ्योरी ये कहता है कि अगर दो नंबर अल्फा प्लस बीटा लेते हो तो ये हर समय टू रूट ओवर अल्फा बीटा से बड़ा होता है, याद रखोगे तो बेटर, नहीं तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। तो इसलिए तब अगर मैं ए एक्स प्लस बी बाय एक्स अगर करूं तो ये किससे बड़ा होगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो ए एक्स इंटू कितना बी बाय एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया टू रूट ओवर ए बी। तो एफ ऑफ एक्स हर समय किससे बड़ा है टू रूट ओवर ए बी से, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा टू रूट ओवर ए बी आगे। तो इस रिजल्ट को अगर याद रखोगे तो अच्छा है। नहीं डिफरेंशिएट करके भी आंसर आता, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस कितना बी बाय एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा ट्वाइस बी बाय एक्स क्यूब जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालो, पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आया b बाय, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया रूट ओवर b बाय, अब रूट ओवर b बाय इसमें डाल दो f ऑफ रूट ओवर b बाय, तो a इंटू रूट ओवर b बाय a प्लस b इंटू रूट ओवर a बाय b, तो ये क्या रूट ओवर ab प्लस रूट ओवर ab इज इक्वल टू कितना टू रूट ओवर ab। आगे निकल रहा हूं, हाँ फिर ये वही हो गया ए और बी मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर थ्री, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी थ्री है, तो अगर डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ए बी होता है, ये एक रिजल्ट है। तो अगर मैं ए बी मैट्रिक्स को सी ले लेता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना होगा डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी तो यहाँ पे 5 थ्री 15 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तब ये डिटरमिनेंट ऑफ 3 ए बी का वैल्यू सी है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो बाहर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी, 3 मतलब 9 इंटू 15। सॉरी 3 क्यूब आएगा, तो 405।
If A and B are invertible matrices, then which of the following is correct? Is not correct. Sorry, हाँ. मुझे गलत मैंने कह दिया, not correct है ये, हाँ. ये तो formula है, सही है. Determinant of A inverse सही है. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A होता है, तो ये भी सही है. A B inverse ये भी एक property है, तो इसका ये answer सही होगा, क्योंकि A plus B में तुम inverse अलग अलग नहीं होता है. This is not equal to B inverse plus A inverse. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आंसर जो होगा वो ये सब. अगर आंसर को टिक मार्क लगाना है तो आंसर डी टिक मार्क लगेगा. देखो अगर तुम अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे आंसर ए को ही देना, दोनों मत देना. मैंने आंसर में दोनों लिखा है क्योंकि एक्चुअली में एट अ पॉइंट नॉर्मली होता नहीं है, हम डिफाइन नहीं करते हैं. फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन हर समय डिक्रीजिंग. अगर हर समय डिक्रीजिंग है तो कब होगा, जब इसका एफ डैश एक्स जो होगा, इस फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है, जो कॉस एक्स माइनस है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए. मतलब ए हर समय कॉस एक्स से बड़ा हो जाए फॉर ऑल एक्स. अगर ए हर समय cos x से बड़ा होगा तो ये किससे बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ cos x से बड़ा होगा. तो ये मैक्सिमम ऑफ cos x मतलब ये हर समय किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो 1 से इनफिनिटी. सम्स को सॉल्व करना होगा. अरे मैं फिर से कह रहा हूँ कि सम्स को सॉल्व करना होगा तुम लोगों को, ठीक है. अगर सम को सॉल्व नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा. हाँ और फॉरेन क्लाइंट अप्रोचेस इस फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, द क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्यू सैंपल्स ऑफ ब्रिक्स एज पर रिक्वायरमेंट. द सॉलिड रेक्टेंगल ब्रिक इज टू बी मेड फ्रॉम 1 क्यूबिक फीट ऑफ क्ले ऑफ स्पेशल टाइप. ये लेंथ के दिया हुआ है, ये लेंथ एक्स दिया हुआ है, ये लेंथ एच दिया हुआ है. द ब्रिक मस्ट बी क्या कह रहा है, 3 times एज लॉन्ग एज इट इज वाइड. ठीक है, तो ये तो अंग्रेजी इसका मतलब क्या हो गया, 3 times एज मतलब एक्स जो होगा वो थाइस के होगा. तो अब एक एक चीज द इंफॉर्मेशन, तो इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 1. वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था के इंटू एक्स इंटू एच इज इक्वल टू क्या, 1. कोई रिलेशन दिया हुआ है कि हाँ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 के. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के बदले 3k² h इज इक्वल टू 1. तो ये कौन सा बना, ये ऑप्शन नंबर 3 बना. अब पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या था, ये था एक्स इंटू एच प्लस एच इंटू के प्लस के इंटू एक्स. तो यहां से एच का वैल्यू भी आ गया कितना, 1/3k², एक्स का वैल्यू भी आ गया कितना, 3k. तो ये वैल्यूज ये सब में डाला जा सकता है, वैल्यू डाल के देख लेना, सबका वैल्यू आ जाएगा. क्योंकि किसके टर्म में चाहिए तुम्हें देखना है ना, सरफेस एरिया किसके टर्म में दिया हुआ है, के टर्म में दिया हुआ है. तो के टर्म में दिया है तो पुटअप करोगे ना. अब dA by dK, तो अगर तुम्हारे पास a ये तुम्हारे पास वैल्यू हो गया तो तू पूछता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो निकालो 3 3 2 तक कितना हो जाएगा, 6k - 4 इंटू कितना, 3k². अब मिनिमम सरफेस एरिया पूछा है, मिनिमम कब होगा, सरफेस एरिया तो मिनिमम तब होगा जब dA by dK का पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो. और इसी को अगर तुम डबल डिफ्रेंसिएट भी कर लोगे d²a/dk², तो ये 3 times ऑफ 6k, 6 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 8 बाय कितना, मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 3k³ जो ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब a मिनिमम होगा ना, क्योंकि अगर फंक्शन ऑलवेज, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है कि अगर d²a/dk² ऑलवेज पॉजिटिव आया तो ये तो मिनिमम होगा, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट में जब dA/dk जीरो होगा, मतलब 6k = क्या हो जाएगा, 4/3k². तो इसका मतलब k³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 2/9, k³ = 2/9. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a पुटअप कर दो. क्यों, कैसे, कहाँ पुटअप करोगे, a का वैल्यू तो तुमने निकालना ही है ना ये वाले में, ठीक है, इस वाले में k का जो ये वैल्यू k³ = 9 पुटअप करके देख लो. एलसीएम ले लो ज्यादा बेटर है ना, वही तो तुम्हें देखना होगा. 2 ले लो इस वाले में, इस वाले को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे क्या मिलेगा मुझे, 3 के ऊपर क्या मिला, 3 कितना, 9k³ + 4. अब यहां से मुझे 9k³ का वैल्यू मिल गया कितना, 2.
तो टू, तो ये नाइन इंटू, ये तो ये टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री इंटू के, अब पुट अप कर दो वैल्यू। चलो ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट वन हो गया, ठीक है, कुछ देर के बाद और भी अपलोड करूंगा, मगर जब तक खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा रे, टेस्ट भी दे रहा हूँ ऑनलाइन, टेस्ट भी दे रहा हूँ ऑनलाइन, टेस्ट भी देते रहना।